लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। पार्लियामानी इंतखाबात के लिए ऐलामिया चंद दिनों बाद जारी होगा और इसके लिए इलेक्शन कमीशन ने सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली है। वहीं सियासी पार्टियां भी अपने उम्मीदवारों के नामों को खतियत देने में लगी हुई है। हल्के असेंबली औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील रुकन असेंबली है और औरंगाबाद में मजलिस का ताकतवर मौकफ़ है। इसको लेकर गुज़िश्ता दो दिनों से मजलिस के उम्मीदवार की हैसियत से इम्तियाज़ जलील को नामजद करने के लिए आला कमान पर दबाव डाला गया। आज बाज़ाब्ता तौर पर मराठवाड़ा के इंचार्ज फिरोज लाला को असद साहब ने औरंगाबाद जाकर वहाँ की सारी तफसीलात से आगाह करने को कहा। शाम होते होते प्रकाश अम्बेडकर ने भी औरंगाबाद पार्लियामानी हल्के से एमआईएम रुकन असेंबली इम्तियाज़ जलील और शुमाल मुंबई से एमआईएम के रुकन असेंबली वारिस पठान और एमआईएम के लिए दो नशिस्तें छोड़ने का ऐलान किया। मस्कुरा खबर की भी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया, फेसबुक और व्हाट्सएप व दीगर मसाइल पर प्रकाश अम्बेडकर की जानिब से दोनों नशिस्तें एमआईएम के लिए छोड़ने के बड़े पैमाने पर गश्त कर रही है। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें।